राम राम जी। एच आर जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाया ने राम राम। वो कहा अगर किसी का तो शूत आया है करे भाई, किसी का फायदा हो जाए है। यो पेपर वाला लफड़ाई सा माचा, इसमें हरियाणा पुलिस वाले की रसाई बैठी बेचारे की, बुने दिन तो डेढ़ साल तो दुखी हो रहे थे। देखो भाई हरियाणा पुलिस वाले तैयार हो लो अपने झोले झाड़े लेकर, हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जल्द नहीं होगा, पेपर कैंसिल जल्द आएगी आंसर की बीके सर, यानी कि आपा कमा है बात और कोई वो नहीं, आपा कमा है बात। या बात के है भाई हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और रही बात जो कहे थे पेपर कैंसिल करे को नहीं, या सरकार ही सरकार ने मतलब इब जांदी जांदी है, जांदी जांदी किमे करो अनुग्रह करे ना, जांदे जांदे के पांव दिखे हैं तो जांदे जांदे के इनके पांव दिखे हैं, इनकी बुद्धि पे बैठ लिया, कोई बहुत बड़ा सिस्टम बैठ लिया इनकी बुद्धि पे, तो ये भी अच्छे काम एक भी नहीं करे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आप या भर्ती जो है बिल्कुल फेर भर्ती नहीं कही जाएगी। जो पेपर आया था उसकी आंसर की जो है आंसर की 1 या 2 दिन में, या तो आज रात न या कल इसकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। इब कई बालक नुके हैं कि भाई इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द अगले सप्ताह देखने को मिल जाएगा आपको, क्योंकि सरकार जो है बहुत मतलब गलत कर रही है बच्चों के साथ, उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और भाई के मिली है कि भाई के पर कैंसिल करांगे तो अपनी बेइज्जती बन जाएगी, या बेइज्जती तो बननी है थारी, या कई दिन बचेगी बेइज्जती, इज्जत इसमें भी को नहीं बनक था। इसे 42% रिपीट हो रहे और फिर था रिजल्ट दे दोगे तो इज्जत को नहीं बना था रही, इसकी इज्जत बन ली थारी 2014 ते 2019 तई, इब तो केवल बेइज्जती बनन लाग रही है, वह थारी अपने कोर्ट में भी बेइज्जती बनन लाग रही है और थारे रोज के जो कारनामे हैं इन तक भी बेइज्जती बनन लाग रही है। बालक परेशान, मेरे दौरे फोन आले रोज, ऑफलाइन पढ़ाऊ नौ तो डेढ़ तई तो नरे फोन आए पावे, डेढ़ बजे टाइम लागत जी भैया वीडियो बनाने, सर जी किमें करो, मैं के करूं भाई, मैं तो रोए लिया करती यूट्यूब पे। इतना कसर होया था कि अपने जो चेयरमैन साहब का इस्तीफा मांगा था वो देने चले गए थे सरकार के पास में, सरकार ने बोली बस इस्तीफा ना दे, पहले ही फंसे पड़े हैं, तेरा इस्तीफा और दे लिया था, बात कती जच जाएगी, तो इस्तीफा लेने तो सरकारी पे गई ना। सीएम जो अपना नैतिकता दिखाई है उसके लिए भोपाल सिंह खत्री जी का, चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने, लेकिन धन्यवाद किस बात का, धन्यवाद कोई नहीं, धन्यवाद जी वो जी बालकों के साथ न्याय करे वो न्याय की कुर्सी पर बैठा रखा लोगों ने, लोगों की दुआएं हैं भावनाएं हैं उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और उनको भी पता है इस बात का, लेकिन आखिरी में हम एक के बात का आ रहा, भगवान सब देख रहा है भाई बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ये बहुत गलत है। जो भी टीचर साथी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई बच्चों का साथ दें भाई, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा के जींद की धरती पर करने जा रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा वहां अपने जो है हकों की लड़ाई के लिए पूरा दिन जींद में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और ये रैली जो है 15 अगस्त के बाद इसका समय तारीख तय कर दी जाएगी। चलो यह भर्ती सरकार जल्दबाजी में कर भी गई तो आने वाली सरकार इस भर्ती की जांच करेगी, जांच करके इस भर्ती को जो है कैंसिल करने का काम करेगी, या सरकार चाहे कितना है काम कर ले, इसमें इतनी खामियां हैं और ये खामियां इस भर्ती में सरकार यदि कर भी गई तो आगे आप ये बालकाना ही भुगतनी पड़ेगी, दोनों बात ये हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दियो, पेपर कति भी कैंसिल नहीं होता है, आज या कल मानसवर की आ जाएगी और रिजल्ट थारे पेपर पेपर चेक हो लिए हैं, सिस्टम सारा तैयार कर रखा सरकार ने, कहने अनुनी कहा करें भाई अड़े आ रहा जो दिक्कत हो गई चुटकला है, एक गाँव में चोरी होगी तो गांव का सारे बाबा तप्या करता ना, बोले भाई चोर पकड़ना है बाबो पे बुझा करावांगे, बोले बाबो बाबो दौड़ चले गए, बाबा बोले गांव में चोरी होगी, बाबा ने कह दी भाई गांव में है चोर, गांव का है चोर हर, बोले बाबा बेरा कुकर पटन वहां कौन भरेगा, बोले अनु ज्ञान करो एक सांप ले जाओ काला, बाबा ने सांप दे दिया धोरत है, बोले इस सांप के ऊपर तो सारा गांव ने तैर दो, यो जिसने चोरी नहीं कर रखी होगी उसका तो लड़ा को नहीं, और जिसने चोरी कर रखी होगी उसका पांव पकड़ लेगा। ये दो जने थे वो मैन आदमी जो चोरी कर रहे थे वो अपना सांप का दोनों बलने खड़े हो गए और सारा गांव ऊपर तो सड़ा सड़ सारा गांव तैर दिया, सारा गांव तैर दिया, तो भाई बोले भाई चोर तो को नहीं पा, बाबा झूठा,
बाबा तुर गए बोलिया बाबा चोर तो ना पाया बोलिया सारा काम उतर लिया बोलिया हाँ बोलिया दो आदमी रह गए बोलिया दो सांप ने दोनों बोलते सांप का एक नूना खड़ा था एक नूने बोलिया भाई उन और तारो गांव कट्ठा बोलिया भाई सारा काम उतर लिया दोनों थाम उतरो बोलिया भाई हम ना उतर दे बोलिया क्या था बोलिया सारा काम ने चंगरा क्या मार दो लड़े लड़े तो यार सरकार ने चंगरा रखा यो भाई यो सरकार पकड़ रही है दोनों बोलते सांप ने ऊँ अपनी पब्लिक ने तारण लाग रही है इसके ऊपर तक कोई उतरो लेकिन चोर तो ये खुदे हैं या सरकार के बैठे लोग इसमें चोर हैं। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत।